चुनाव के दौरान नेता से लेकर जनता तक के जो अजब गजब रंग सामने आते हैं उन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी खास पेशकश चुनावी चकल्लस में। आज की कहानी जुड़ी है बलिया के किसान से। इनका नाम है नवीन कुमार राय। इस समय इनकी चर्चा पूरे बलिया में हो रही है। दरअसल नवीन कुमार राय बीते 3 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने के लिए जमानत शुल्क के तौर पर डीएम को भूसा और अनाज सौंपने गए थे। तभी से ये मामला सुर्खियों में आ गया। अब 14 मई यानी कल वे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत राशि 25,000 रुपए के लिए अपना ट्रैक्टर गिरवी रखने के लिए डीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं। सुनिए किसान तक ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। अच्छा, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बलिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र बहत्तर से साहब। बहुत बढ़िया, तो नामांकन पत्र खरीद लिया? हाँ सरकार बाजू नामांकन पत्र ले हैं। अभी 3 मई के हम जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के यहाँ गई रहनी। हम किसान आदमी हैं, सरकार बाजू अनपढ़ गंवार किसान मजदूर हैं, क्योंकि समाज में हम रही ले समाज की सेवा करे के लालसा हमारा जागल भी है। हमारा पास जमानत धनराश के जमा करे खातिर बहुत कुछ बा, नगद पैसा के अभाव में बानी। जैसे कि गेहूं बा, सीरियन बा, भूसा बा, इस सब हमारा लगे जमानत के जमानत धनराश के रूप में जमा करे खातिर हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गई रही। जिलाधिकारी महोदय यहाँ के यहाँ तक कहने की आपको हम आश्वासन देते हैं नामांकन कराओ जे भाई अभी कोनो सूचना ना मिले नामांकन पत्र हम ले लेंगे बानी। 14/5/2024 के यानी मंगलवार के दिन नामांकन दाखिल हुई। फार्म खरीद लेला है? हाँ फार्म ले बानी। कितना के फार्म रहल? फार्म के पैसा ना लागल। काहे? अब 25,000 वे जमानत धनराशि जमा करे के बाद और फार्म के निवासी दिए एगो फार्म भरोले फार्म दिया ले। जन डीएम साहब वाले आज निर्वाचन अधिकारी के रूप में वहाँ के बानी तो वहाँ के फार्म यानी फार्म ले 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 है, फार्म भर ले है, वो चालान जमा लिखे हो पावत ओकरा ई हमारा भाई की जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से हम कहने की एगो बा हमारा पास है ट्रैक्टर जैसे कि पहले हर बैल से हमने खेती करते रह नहीं जा आज हर बैल नहीं खे आज हमारा लगा है ट्रैक्टर एगो बा एक के 50,000 रुपया में गिरवी रख लिया जा 25,000 रुपया जमानत धनराशि के रूप में जमा कर लिया जाए और 25,000 रुपया हमको दिया जाए ताकि हम चुनाव जीत के आपसे प्रमाण पत्र ले सके। तो कलेक्टर साहब हंसत रहे। तो सुना आपने, किसान नवीन कुमार राय का कहना है कि उनके पास जमानत शुल्क का पैसा नहीं है, अनाज है जिसे बेचकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। बता दें कि बलिया में 1 जून को वोटिंग होगी, इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।